Hi dear students, welcome to NIT Polytechnic College. My name is Abhay Kakde, lecturer in Science and Humanities Department, Nagpur. Dear students, हम online classes शुरू कर रहे हैं. यह पहली बार ही हो रहा है कि हमारे college की पढ़ाई की शुरुआत online teaching learning से हो रही है. In every year, हम first year के students के लिए इंडक्शन प्रोग्राम यानी वेलकम प्रोग्राम रखते हैं और उन्हें कॉलेज के बारे में पढ़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. अपने प्रिंसिपल सर भी गाइडेंस करते हैं. इस बार भी आपको प्रिंसिपल सर टाइम टू टाइम गाइडेंस करते रहेंगे. पर ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में आई है. लेकिन इस कठिन परिस्थिति का हमको डटकर सामना करना है और खुद के सेहत का भी ध्यान रखना है. इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी पढ़ाई में रुकावट ना आए. कॉलेज शुरू करना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ाई शुरू करना ये हमारे हाथ में है. सो शुरू करते हैं. बेस्ट विशेष फॉर ऑनलाइन लर्निंग. आपको हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियोस भेजे जाएंगे. वह वीडियोस देखकर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और वह वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप सब्जेक्ट टीचर से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको सभी टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे. तो अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड सब्जेक्ट कोड इज 22101. सभी ब्रांच के लिए इंग्लिश का सिलेबस सेम ही है. तो इंग्लिश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे. What is the importance of English in engineering? English language skills have become inevitable in the era of globalization. The skills of language contribute substantially to the career of engineering profession, where almost all the service manuals, installation and commissioning manuals of the various equipment are in English. And technologist has to interpret them correctly. Competency in English is need of the hour, not only for Indian industry but also worldwide, where diploma engineers have the employable opportunity. Therefore, the basic English skills, listening, speaking, reading, and writing have become almost mandatory for employability. This course is therefore designed to help the students to communicate in English in spoken and written form effectively. In today's life, English important ban gayi hai. Language skills ka engineering profession mein mahatvapurna yogdan hai, jahan vibhinna upakarno ke lagbhag sabhi niyamavali, sthapna aur commissioning manual English mein hai aur technology ko unhe इंटरप्रेट करना है यानी एक्सप्लेन करना है. इंग्लिश ये आज की ज़रूरत है, सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री में नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है. इसीलिए जॉब पाने के लिए इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अवगत करना इम्पोर्टेंट है और कंपल्सरी है. इसीलिए यह सिलेबस इंग्लिश में बोलने और लिखने के लिए अच्छे से बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकेंगे. तो देखते हैं सिलेबस. यूनिट 1 अप्लाइड ग्रामर. कोर्स आउटकम फॉर्मुलेट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस. टॉपिक 1 आर्टिकल्स.
जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। टॉपिक नंबर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि असरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे टॉपिक नंबर 6 वॉइसेस, जिसमें हम देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का यूज कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज द नरेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। अब देखेंगे यूनिट 2 कंप्रिहेंशन एंड कोर्स आउटकम इज समराइज द कंप्रिहेंशन पैसेजेस। इसमें हमें 9 लेसन्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 शिवाज ब्लेसिंग्स, चैप्टर नंबर 2 ग्राइंड, चैप्टर नंबर 3 JRD टाटा, चैप्टर नंबर 4 अ मसीहा फॉर द अबेंडेड सिख, चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, चैप्टर नंबर 6 बी रिमार्केबल, चैप्टर नंबर 7 अरुणिमा सिन्हा अ बायोग्राफी, चैप्टर नंबर 8 सेव योरसेल्फ, चैप्टर नंबर 9 डोर टू मेंटोर। ये सारे लेसन्स हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं यूनिट 3 पैराग्राफ एंड डायलॉग राइटिंग एंड कोर्स आउटकम इज कंपोज डायलॉग्स एंड पैराग्राफ्स फॉर अ डिफरेंट सिचुएशन। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, स्टेप्स इन राइटिंग अ डायलॉग। नेक्स्ट है यूनिट 4 वोकैबुलरी बिल्डिंग, कोर्स आउटकम है यूज रिलेवेंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ स्पेलिंग, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज, कोलोकेशंस, इडियम्स। अब देखते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 स्पीचेस, कोर्स आउटकम इज डिलीवर प्रिपेयर्ड स्पीचेस टू एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस। ये यूनिट में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड स्पीच, टाइप्स ऑफ स्पीचेस। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, जो कि हम वीडियो लेक्चर्स के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन से यूनिट पे कितने मार्क्स है। यूनिट नंबर 1 अप्लाइड ग्रामर है 14 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 कंप्रिहेंशन 24 मार्क्स, यूनिट नंबर 3 पैराग्राफ एंड डायलॉग राइटिंग है 12 मार्क्स, यूनिट नंबर 4 वोकैबुलरी बिल्डिंग है 12 मार्क्स के लिए, यूनिट नंबर 5 स्पीचेस जो है 8 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 70 मार्क्स। अब देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंग्लिश में 20 मार्क्स की आपकी 2 सेशनल एग्जाम होंगी, 10 मार्क्स का आपको कोई भी एक टॉपिक पे माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस पे है
10 मार्क्स एंड 70 मार्क्स आपका बोर्ड की रिटन एग्जाम होगी। तो ये हो गया थ्योरी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं प्रैक्टिकल्स का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल पे रहेंगे, जिसमें आपकी 25 मार्क्स की इंटरनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी और 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट पे रहेंगे। तो देखते हैं प्रैक्टिकल का सिलेबस। प्रैक्टिकल नंबर 1, सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स। नेक्स्ट, सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन। सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट कंजंक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सेंटेंसेस यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंसेस यूजिंग रिलेवेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ड रिपीटेशन आफ्टर लिसनिंग टू देम। प्रेजेंटेशन यूजिंग करेक्ट ग्रामर। शॉर्ट पैराग्राफ्स एम्फेसाइजिंग ऑन सिंटैक्स। नेक्स्ट, डायलॉग्स ऑन वेरियस सिचुएशन। रोल प्लेज। सेंटेंसेस यूजिंग इडियम्स। एंसिडोट्स ऑफ वेरियस सिचुएशंस। सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट कोलोकेशंस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पैसेजेस। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशंस एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। प्रिपेयर्ड स्पीचेस एंड लास्ट वन इज डायलॉग रिपीटेशन आफ्टर लिसनिंग। ये सारा सिलेबस आपका थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे वो प्रैक्टिकल के मार्क्स में काउंट किए जाएंगे। अब देखते हैं वैल्यूएबल रीजंस टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज एन इसेंशियल रोल इन आवर लाइव्स एज इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज का रोल हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। कोई भी काम के लिए तुरंत इंटरनेट यूज़ करते हैं और वो समझने के लिए इंग्लिश का नॉलेज रहना ज़रूरी है। इंग्लिश ओपन्स न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। इंग्लिश से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव यूअर सेल्फ, बट लर्निंग इंग्लिश also improves the quality of life. Education हमारी life में important है खुद को improve करने के लिए, पर English हमारी quality of life improve करती है। Thank you so much for watching this video. I hope आपको English का syllabus समझ में आ गया होगा। तो हम वीडियो लेक्चर थ्रू स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की पढ़ाई। जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है और डेली असाइनमेंट कंप्लीट करना है। इंग्लिश की पढ़ाई करते समय कोई भी डिफ़िकल्टी या कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।